जाइएगा। आपका मुर्गी का वजन कितना हुआ है? वही करीब 700-800। और अभी कितना दिन हुआ है? एक महीना 18 दिन। ब्रूडिंग में कितना दिन तक मेहनत किए? उसमें 10 दिन हमको लगा था। तो किसान भाइयों, चलिए उनके फार्म पर चलते हैं, वैसे किसान भाई से जो कि 1000 मुर्गी पालन कर रहे हैं, सोनालिका पालन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से मुर्गी को तैयार करके रखे हैं। अभी ये जो जगह है वो आपको बिहार के जहानाबाद ज़िले के काको के बगल में डहरपुर गांव है, वहीं पर हम लोग आए हुए हैं। इनके पास और कार भी है और अपना पीछे फार्म भी है। ये इनका दूरा दलान है, यहाँ पर सुतते बैठते उठते भी हैं और बगल में गोदरेज का दाना भी रखे हुए हैं। यही दाना अपने मुर्गियों को खिलाते भी हैं। जो किसान भाई अभी अभी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्रॉयलर का फार्मिंग कर रहे हैं, देसी की ओर आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है ये। किसान भाई जो पहले देसी का ही फार्मिंग करते थे, अभी तालाब भी किए हुए हैं और आपको सोनाली मुर्गी पालन भी किए हुए हैं और 1000 मुर्गी और भी पालने का इनका शेड भी बना हुआ है, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। अभी यहाँ पर आए हैं तो हम देखे कि तालाब में बहुत ही अच्छे तरीके से मछली है, 400-300 ग्राम का। और यहाँ पर अच्छे अच्छे पौधे भी लगाए हुए हैं, पेड़ भी लगाए हुए हैं, सागवान का, महोगनी का प्लांटेशन अच्छा किए हुए हैं। तो किसान भाई इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर जो अगर तालाब पे आपके पास है तो प्लांटेशन ज़रूर कीजिएगा। और अभी हम इनका फार्म देखने वाले हैं जहाँ पे इन्होंने 1000 कैपेसिटी का मुर्गी रखा हुआ है, सोनाली मुर्गी रखे हुए हैं और भी अलग से बना दिए हैं मुर्गी रखने के लिए। तो जो किसान भाई छोटा फार्म बनाना चाहते हैं 1500-2000 का, उन लोग को कम पैसे में भी तैयार हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्म बनाने में थोड़ा सा लागत तो आपको लगेगा, जो कि अगर जो सीमेंट पे बनाते हैं तब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो 1000 मुर्गी पालन करने में जो कठिनाई होती है, यानी जो कैसे कैसे किया जाता है, वो फार्मर के जुबानी ही आप लोग फार्मर के द्वारा ही सुनेंगे कि वो कैसे कैसे पालन कम है किए हैं। उधर देख रहे हो कि मुर्गियां एकदम बिल्कुल तैयार है, 1000 मुर्गी, और इधर इनका बना हुआ भी है शेड ताकि, और ऊपर में बर्तन देखिएगा, ऑटोमेटिक ड्रिंकर फीडर रखा हुआ। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फार्म में खड़े हैं और हम आज एक ऐसे किसान भाई के पास आए हैं जो पहले ब्रॉयलर का फार्मिंग करते थे और अब सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का सोनाली मुर्गी तैयार कर चुके हैं और 1000 का पालन कर रहे हैं। जो किसान भाई 1000 से शुरुआत करना चाहते हैं, 1000 मुर्गी पाल करके अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं कम पैसे में, कम लागत में, वो किसान भाई इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और बिल्कुल ही आपको अच्छी जानकारी मिलेगा। फार्मर से हम जानकारी दिलवाएंगे वो कैसे कैसे काम किए हैं, चूजा लाएँ तो कैसे रखें, चूजा से ले करके वो दाना कैसे कैसे कब कब खिलाते हैं और इनका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, पूरा डिटेल हम फार्मर से जानकारी लेंगे। पहले ब्रॉयलर भी फार्मिंग कर चुके हैं तो आज हम लोग वैसे किसान से मिलेंगे जो पहली बार फार्मिंग किए हैं और बढ़िया से मेंटेन कर रहे हैं, वजन भी मेंटेन है आप लोग देख रहे होंगे और अच्छा इनका क्वालिटी भी है। तो इसी तरीके से फार्मिंग करने के लिए या कम पूंजी से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए हम किसान भाई से मिलते हैं। सबसे पहले सर आपको मेरे चैनल पे मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। अपना नाम पता और एड्रेस बताइएगा। नाम श्याम सुंदर कुमार, मोहम्मदपुर जी, थाना घोसी, जिला जहानाबाद। जिला जहानाबाद। आप जो फार्मिंग कर रहे हैं सोनाली मुर्गी का जी, तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आपने तैयार कर रखा है जी। तो इस कैसे कैसे किए इसको, सबसे पहले हमको बताइएगा कि इसका रख रखाव करने के लिए खुद रहते हैं या लेबर पर आश्रित है? हम खुद रहते हैं, यही चलते ज्यादा बढ़िया क्वालिटी हो रहा है। करते हैं, समय से। इसको ये बताइए कि जब चूजा आप लाए थे तो चूजा लाने के बाद जो 8-10 दिन कैसे कैसे किया जाता है, कुछ फार्मर के साथ शेयर कीजिए जी। चूजा लाने के बाद जो पेपर पर इसको 5-6 दिन हम खिलाए थे और उसको बहुत ध्यान दिए थे कि आपस में सटे ना
और इसी के कारण मेरा मोर्टिलिटी बहुत कम है। शुरू में 5 दिन के अंदर में क्यों मोर्टिलिटी हुआ था? मुश्किल से लगता है 6-7 हुआ था। 6-7 हुआ था। बाकी आप कुछ कह रहे थे कि चूहा हुआ या बिल्ली काट रहा? चूहा कुछ काट दिया था। यानी उन लोग से भी बचाना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, चूहा से तो बिल्कुल बचाना चाहिए। किसान भाई इस पर ध्यान दे। हाँ बिल्कुल। और उसका घेरा किस प्रकार से किए थे? घेरा फिर जाली से किए और फिर चूहा का बचाव किए और फिर साइड साइड में तो हम कुछ दवा दे देते चूहा सब मर गया। पेपर कितना दिन तक रखे थे? पेपर हम 5 दिन रखे थे। उसके बाद फिर ब्रूडिंग में कितना दिन तक मेहनत किए? मार उसमें 10 दिन हमको लगा था। अच्छा, उसके बाद फिर वैक्सीनेशन कब कब कैसे कैसे किए? 7वां दिन और फिर 14वां दिन, फिर 21वां दिन। तीनों वैक्सीन किए? टाइम से। कब किए वैक्सीन? मैंने सुबह शाम कैसे किए? शाम में हम किए थे। शाम में किए थे, यानी मौसम ठंडा होना चाहिए। मौसम ठंडा था बिल्कुल, रात में करीब 9-10 बजे करीब। अच्छा, नहीं तो फिर उसमें आइस मिला दीजिए। हाँ, नहीं तो उसमें उसमें बर्फ मिला दीजिएगा तो सही रहेगा। उसके बाद वैक्सीनेशन, तो दवा कौन कौन सा कैसे कैसे चलाए? दवा तो शुरू में क्या क्या चलाए थे? लेक्सिन था, ब्रूटोन था, मल्टी स्टार था, विमरल था, यही समझो दवा ऊपर में रखा हुआ है, ये सब दवा चलाए थे। और मेरे द्वारा जो आपको जो सहयोग किया गया दवा में, मेडिसिन में या कुछ और से, उससे संतुष्ट हैं या नहीं? कभी कभी फोन तो नहीं है उठाते हैं आपका भी? चलिए अच्छी बात है। और बताइए हमको कि अभी आपका मुर्गी का वजन कितना हुआ है? वही करीब 700 700-800। और अभी कितना दिन हुआ है? एक महीना 18 दिन। एक महीना 18 दिन, जबकि ये 2 महीना में इतना वजन होना चाहिए था, फिर भी आपका मेहनत से, लगन से और साफ सफाई के बदौलत ये अपना बहुत ही अच्छा मेंटेन कर पाए। अगर जो आपका रेट बढ़िया रहा 200-210-220 अगर जो रहा, नहीं तो 200 भी एटलीस्ट रहा, तो आपको कम से कम 60 रुपया के अप्रोक्स बचत हो जाएगा मुर्गी पर। अगर जो आप ज़्यादा बेचना चाहें तो उसमें तो भी बात अलग है। 2 महीना में तैयार कर लीजिएगा, एक महीना तो आप गैप बचा लिए। अभी बताइए कि जो तैयार मुर्गी है, मुर्गा है, मुर्गी है, तो इसको मुर्गी को सेल कीजिएगा कि दोनों मिक्स करके सेल कीजिएगा? मार्केटिंग के बारे में कुछ अनुभव बताइए किसान तो भाइयों को। दोनों मिक्स करके सेल करेंगे। तो अंडा के लिए इसको नहीं रखने वाले हैं आप? अंडा के लिए नहीं रखना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम है। हाँ जी, अभी पहले इसको बेच के कुछ पैसा कमा लेना, अगला बार से फिर अगला बार से अपना कर सकते हैं। बिल्कुल, इस बार तो निकाल दे। तो आपका मुर्गी का क्वालिटी बढ़िया है, वैक्सीनेशन भी किए हुए हैं। मान लिया कोई किसान भाई मुर्गी आपसे लेना चाहे अंडा के लिए, तो दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप आइएगा, यानी जहानाबाद के नज़दीक में है, आप लोग आइएगा डहरपुर के पास, और घोसी आप लोग जानते होंगे, इधर जो जहानाबाद के नज़दीक में होंगे, पटना के नज़दीक में होंगे, आ करके भी ले सकते हैं। और मार्केटिंग कहाँ कहाँ देखे हैं सर? खुद से कहीं बिकते हुए बाज़ार में देखे हैं कि नहीं? जहानाबाद, पटना, गया कहीं? जी नहीं। और अभी मार्केटिंग के लिए क्या सोचे हैं? मार्केटिंग देखिए अभी तो आप ही लोग पर है। जैसे मैं मार्केट में, हम लोग का क्या है कि हम लोग पटना में सेल करते हैं, गया में सेल करते हैं, तो काउंटर में चाहे बाजार में चाहे घर पर इसका क्या रेट लगता है? घर पे क्या रेट से लोग बेचते हैं? घर पर तो 300-350 यही रहता है, कहीं कहीं 400 में बिक जाता है। पार्टी पर डिपेंड करता है। अभी आपका मुर्गी अगर जो 600-700 ग्राम है, बिहार में और भी किसान भाई देख रहे होंगे, तो 600-700 ग्राम का मुर्गी गया में ज़्यादातर सेल होता है, तो सबसे पहले हम लोग संपर्क करेंगे गया वाले से, उसके बाद पटना मंडी धरेंगे, उसके बाद अपना आसाम मंडी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो 200, 1 किलो 100 पर लेता है। आसाम मंडी धरने के लिए कितना का पालन करना चाहिए सर? कम से कम 2000। इतना छोटा में वो नहीं आएगा, बड़ा। तो जो किसान भाई हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आप भी तो पहले देखते होंगे, लाइक करते थे, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किए होंगे, तो दूसरा को कहते हैं लाइक और सब्सक्राइब करने, मदद मिलता है। तो चलिए, किसान भाई अपने मुंह से ही बोल रहे हैं भाई कि मदद मिलता है। और इनका थोड़ा सा चूजा में हम लोग 1-2 दिन लेट भी किए थे लगता है कि ना? हाँ, 1-2 दिन लेट भी हुआ था। और फिर ये अगले न्यू फॉर्म बनाने वाले हैं, उसमें कितना डालिएगा? 1000 डालिएगा।
तो पहले आप ब्रॉयलर मुर्गी पालन करते थे, आप देसी कर रहे हैं, तो दोनों में कुछ अपना अनुभव बताइए। बहुत अंतर है। क्या अंतर है इसमें? तो समझिए कि बहुत परेशानी है। अच्छा। और मैंने कि इतना उसको मोर्टिलिटी है जी कि जितना मैंने कि थोड़ा सा अगर चूक हुआ हाँ। तो मोर्टिलिटी समझिए कि चली थोड़ा सा चूक में, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इसमें तो है कि जे चूक हुआ तो समय देता है। हाँ, बहुत समय देता है भैया, बीमार हैं। देखिए हमको कोई समय नहीं देता है, कोई समय नहीं देता। घर बात मैंने कि अथी पास फार्म पास घर खाना खाने जाइएगा, देखेगा दो मोर्टिलिटी हो जाए। ये बात तो आप हमारे घर आए थे तो हम बताए थे आपको। हाँ, बिल्कुल। तो जो किसान आप घर में आए थे पूरा डिटेल जानकारी दिए थे, उसके बाद जो जानकारी दिए थे उस पर खरा उतरा कि नहीं? हम बोले थे कि मेहनत नहीं है भैया, अगदान जो बॉलर किए हुए हैं इनको इसमें कोई भारे नहीं, भारे नहीं है। जो ट्रक चले ले कार चलाने में का भार है। अभी जो दाना पानी का व्यवस्था कुछ बता दीजिए किसान भाई को, क्या क्या आप लगाए हुए हैं? दाना पानी तो ग्रोवर वाला गोदरेज का चल रहा है, और फिर पानी में ऑटोमेटिक लगाया, उसमें ऑटोमेटिक लगाया कितना खर्चा आ गया होगा इसमें? करीब करीब लगता है 15,000 के लमसम। यानी 1,000 मुर्गी अगर जो पालन करता है उसको 2,000 का है, 15,000 में हो जाएगा टंकियों के सब सही। चलिए ये बहुत ही अच्छी बात है। और थोड़ा सा इसको पर जो किसान भाई हैं ध्यान दीजिएगा, अलग अलग नेपुल जगह पर दीजिएगा, और ठंड में थोड़ा सा इसको घेरना पड़ता है उसको भी ध्यान रखिएगा। और ये अब लास्ट में हम लोग जाते जाते बताएंगे कि दोनों में से आप कंपैरिजन हमको बता दीजिए कि ब्रॉयलर ठीक रहता है पालन में या देसी रहता है? देसी रहता है ठीक, और मेहनत भी कम है, कहीं शादी विवाह में भी घूम सकते हैं। सुबह ऑटोमेटिक आपके पास है? अच्छा। सुबह में दाना दे दीजिए, उसके बाद जाके आप आराम से घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत ही अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम भी फ्रेम में आ गए हैं, तो जो किसान भाई अभी तक लाइक नहीं किए हैं सर लाइक कर दीजिए, आप लोग के ही वीडियो लाते रहते हैं। और भी जानकारी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है कि कैसे कैसे पालन करें, कौन कौन सा दवा दें, कब वैक्सीनेशन करें। और अगर जो आप हमसे संपर्क में जुड़े हुए हैं बिहार में कहीं से भी हों, बिहार यूपी झारखंड, अगर जो एक बार आके मिल लेते हैं तो आपको छोटा सा जानकारी बता देंगे जिससे आप पालन शुरू कर सकते हैं। क्या सर? सर भी आके मिले थे करीब 1-2 घंटा बैठे आराम से हमारे घर पर, और इनको दाना पानी भी पहुंचा दिए थे। दाना पानी भी पहुंचा दिए थे, चूजा भी पहुंचाए। तो अगला लॉट जो फिर डालने वाले हैं हमसे ही डालने वाले हैं। और जाते जाते सभी किसान भाइयों को नमस्कार, बाय बाय, और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।